हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फूडोपोलिस। आज हम लोग बनाएंगे कच्चे आलू से पनीर और पनीर की सब्जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दो कच्चे आलू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप हम लोग ले लेंगे चने की दाल। इसे सोक वगैरह हमने नहीं किया है, इसे इंस्टेंट हम लोग बना रहे हैं, तो सिर्फ धो के ही लिया है। और एक कप यहाँ पर ले लिया है हमने सोयाबीन दाना, और उसे भी सिर्फ धो के ही लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, और एक पूरे होल लहसुन को हमने यहाँ पे ले लिया है, एक पूरे प्याज को डाल दिया है। आधा कप हम लोग पानी डालेंगे और इसे कुकिंग के तरफ लेके चलते हैं। गैस पर हमने चढ़ा दिया है और इसे ढक देंगे, और ढक करके हम लोग जो है 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट के बाद अब हम लोग इसे चेक करते हैं। देखिए, सोयाबीन दाना जो है वो पका नहीं है, मतलब कच्चे ही है, लेकिन चने की दाल को चेक करते हैं तो ये हार्डली मैश हो रहा है। बस हमें इतना ही पकाना है। अब उसे हम लोग ठंडा हो करके एक मिक्सर जार में डालेंगे, और पूरे पेस्ट को हमने 2 बार में पीसा था उसमें डाल देंगे आधा कप पानी, और इसे पीस करके एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग कॉर्नफ्लावर। 4 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। और ये जो पनीर आप बना रहे हैं ये काफ़ी हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग नमक डाल देंगे। और ये पनीर से किसी भी सूरत में ना तो पौष्टिकता में कम है और ना ही टेस्ट में। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी एक रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई करें। 10 मिनट तक हमने इसे फेटा है। फेटने के बाद इसमें हम लोग चिली फ्लेक्स डाल देंगे, क्योंकि इसे मसाला पनीर हम लोग बना रहे हैं। 10 मिनट फेटने के बाद उसमें हम लोग डाल देंगे बेकिंग पाउडर, जो कि केक फुलाने के काम आता है। मीठा सोडा मैंने यूज़ नहीं किया है। और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए बैटर कितना फ्लफी बन चुका है। अब हम लोग एक ग्रीस लगे हुए टिफिन में या थाली में जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल करके और इस तरीके से टैप कर ले। और टैप करने के बाद हमने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगा के अब हम लोग स्टीम कर लेते हैं इसे। स्टीम हमने मीडियम फ्लेम में 15 मिनट तक स्टीम कर लिया है। स्टीम करने के बाद उसे हम लोग ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद अब हम लोग कट करते हैं। इसे हम लोग पनीर बना रहे हैं, इसलिए पनीर के शेप में ही हम लोग काटेंगे। देखिए कितना परफेक्ट हमारा पनीर बनके तैयार हुआ है। अब ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी में, लेकिन इसे एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए हम लोग जो है इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में इसे चारों तरफ घुमा घुमा के हम लोगों को फ्राई कर लेना है। और इसे आप इस रेसिपी को जिसे भी खिलाते हैं वो आपके तारीफों के पुल नहीं बांधेगा, तब आप मुझे बताइएगा। और रेसिपी पसंद आए तभी लाइक करिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। देखिए सारे पनीर को हमने फ्राई कर लिया है चारों तरफ से। अब इसे निकाल के हम लोग अलग रख देंगे। बचे हुए तेल में हम लोग डाल देंगे तेज पत्ता, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डालेंगे, और यहाँ पे रेड चिली पाउडर हम लोग डाल देंगे। यहाँ पर एक प्याज, आधा इंच अदरक और 4-5 लहसुन डाल करके हमने इसे पेस्ट बना लिया है आधा कप पानी के साथ, और उसे भी यहाँ पर हम लोग डालेंगे। मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कच्चा स्मेल जाने तक हम लोग भून लेंगे। मसाले जो है भून चुके हैं। अब यहाँ पे आधा कप पानी के साथ हमने काजू और मगज को पीस करके पेस्ट बनाया था। 1 टेबल स्पून हमने काजू लिया है, और 1 टेबल स्पून ही हम लोग डाल देंगे यहाँ पे मगज, और आधा कप पानी के साथ पीस करके पेस्ट बनाया था उसे भी हमने भून लिया है। अब यहाँ पे टमाटर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डाल दिया है टोमेटो सॉस। इससे जो है सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और डाल करके मसालों को अच्छी तरीके से हम लोग भून लेंगे। मसाले जो है तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। आधा कटोरी यहाँ पर ग्रेवी के लिए हम लोग डाल देंगे पानी, और सभी चीजों को हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनके तैयार हुआ है। ग्रेवी में उबाल भी आने लगा है। अब इसमें डाल देंगे हम लोग 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी,
और फ्लेम को हाई करके इसमें हम लोग अच्छी तरीके से उबाल आने का वेट करते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसमें बबल आने लगे हैं, मतलब ग्रेवी हमारा पक चुका है। अब हम लोग इसे ऑफ कर देते हैं। अब पनीर को मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए पनीर कितना सॉफ्ट और फ्लफी बन के तैयार हुआ है। अब पनीर के ऊपर जो है ग्रेवी को, गरम गरम ग्रेवी को हम लोग डाल देते हैं और डाल करके सर्व करते हैं। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।